पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा की तस्वीरें हमें देखने को मिलती ही रहती हैं। पिछले कुछ महीनों से लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में जो कोई वारदातें हुई हैं उससे सभी लोग परिचित हैं। लेकिन कल लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जो जानकारी सदन में रखी उससे एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बंगाल में इतना बवाल मचा क्यों था, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही थी। बीजेपी सांसद खगेर मुर्मू और सुकांत मजुमदार के सवाल के जवाब में जी किशन रेड्डी ने बताया कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल कर रहा है। रेड्डी के मुताबिक युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए वर्धमान और मुर्शिदाबाद के मदरसों का टारगेट किया जा रहा है। संसद में गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि तीन अलग अलग नामों से आतंकी संगठन जिसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन भारत और जमातुल मुजाहिदीन हिंदुस्तान आदि नामों से आतंकी फैक्ट्री राज्य में चल रही है। इन आतंकी संगठनों को UAPA कानून के तहत पहले से ही बैन किया जा चुका है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये अब भी वर्धमान और मुर्शिदाबाद में सक्रिय हैं। साथ ही इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरजमी पर चलने वाले लश्कर ए तैयबा का साथ भी हासिल है। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक सूत्रों से ये बात भी सामने आई कि बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार समय समय पर एडवाइजरी भी जारी करती रहती है। कुछ पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में आज भी अवैध तरीके से कई मदरसे चल रहे हैं और फंडिंग के लिए वो जमातुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की कठपुतली बन रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय के इस खुलासे पर कुछ भी कहने से बच रही है। ममता पर बीजेपी पहले ही मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा चुकी है और अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ये माना जा रहा है कि जरूर दाल में कुछ काला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द कैपिटल पोस्ट।